जैसे आप लोग आज के थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज मैं आपको कुछ सेफ्टी रिलेटेड चीज़ बताने वाला हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको बगैर स्किप किए, बहुत छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखें, समझें, जानें, शेयर करें। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो आपको ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। ठीक है, काम तो होते रहते हैं, सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ, ये कंटिन्यूटी का सिलेक्शन है। मैंने मल्टीमीटर ऑन किया, ठीक है, मुझे कंटिन्यूटी सेट करने के बाद मैं अक्सर क्या चेक करता हूँ, मैं या कोई भी आप, या तो रेजिस्टेंस वगैरह, मोटर का रेजिस्टेंस चेक करते होंगे, या फिर डायोड चेक करते होंगे, या फिर कोई तार कहीं बीच से ब्रेक तो नहीं है, ये चेक करते होंगे। जैसे ये तार, ठीक है, ये छोटी सी तार है, इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, ये ठीक है। तो अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो ये बजर बज रहा है, बजर बज रहा है मतलब क्या, कि मेरा ये तार कहीं से भी बीच से कटा पिटा नहीं है, कंटिन्यूटी है, इस एंड से कंटिन्यूटी बराबर है, ठीक है। अब ये मल्टीमीटर उसको कैसे चेक कर रहा है, ये अंदर की बात है, इसके अंदर की बात है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में घर कर जाए कि मल्टीमीटर अंदर से शॉर्ट है। एक डायोड के थ्रू ही सही, और कुछ रेजिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन ये अंदर से ये दोनों तार कहीं ना कहीं आपस में मिल रहे हैं। तो अब दिक्कत कहाँ पे आती है, मान लिया आपने इस प्रोब से वोल्टेज चेक करना चाहा 415 वोल्ट या 230 वोल्ट जो भी है, और गलती से आपने, आपको सिलेक्शन रखना चाहिए वोल्टेज पे, ठीक है, वो भी रेंज एक सही सेट होना चाहिए। रेंज अगर गलत भी हो तो आप एक चांस, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर गलती से आपने सिलेक्शन इस पे रखा है, कंटिन्यूटी पे, ठीक है, या कुछ रेजिस्टेंस पे, ठीक है, तो होगा क्या कि आप जैसे ही वोल्टेज एंड में इस दोनों प्रोब को लगाएंगे, ये मल्टीमीटर आपके हाथ में एक्सप्लोड कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, आप बुरी तरह से इंजर्ड हो सकते हैं और एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सिलेक्शन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे आप ITI वाले हों, चाहे आप BTEC इंजीनियर हों, चाहे आप डिप्लोमा इंजीनियर हों, ठीक है, कोशिश करें कि आपके साथ एक बंदा और भी हो, ताकि दो लोग जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो थोड़ा सा, मतलब छोटी मोटी गलतियाँ जो हैं वो नज़र आ जाती हैं, और अगर आप अकेले भी कहीं पे हैं तो भी आपको एक नहीं दो बार तीन बार कम से कम सिलेक्शन तो एटलीस्ट देखना ही चाहिए। खासकर वोल्टेज जब भी आप मेज़र कर रहे हो मल्टीमीटर से, फॉर एग्जाम्पल ये एक टॉन्ग टेस्टर है, क्लैंप मीटर है, इसमें भी एक कंटिन्यूटी का सिलेक्शन है, मैं इसको यहाँ पे रखा, ओके, और मान लिया मैंने को इस पर कंटिन्यूटी चेक करना है, ये वही तार मैं ले रहा हूँ, और वही तार मैंने लिया है, और मैं देखता हूँ कि ये तार सही से ये बता रहा है या नहीं बता रहा है। मेरे हाथ में मोबाइल है इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, ये देखिए, इसका मतलब ये भी मेजर कर रहा है कि ये मेरा तार बिल्कुल ओके है, बीच से कहीं भी कटा नहीं हुई। अब थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो, क्योंकि मैं वोल्टेज के साथ आपको टेस्ट करके तो नहीं बता सकता हूँ, यह फेज है न्यूट्रल है, या मान लो आप दोनों ही फेज हैं, थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करो, ठीक है, यहाँ 440 वोल्ट है, यहाँ पे क्योंकि अगर एक कंटिन्यूटी भी इसी तार की तरह अंदर से शॉर्ट है, मतलब कंप्लीट सर्किट कंप्लीट है बिल्कुल कंटिन्यूटी वाली, और आप इस वोल्टेज को, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 415 वोल्टेज आप मान लीजिए कि ये 415 वोल्टेज है, आपने गलती से सिलेक्शन रखा है कंटिन्यूटी पे, और आप चले गए वोल्टेज मेजर करने के लिए, आपने एक फेज में वोल्टेज रखा, चेक किया, दूसरे फेज में दूसरा प्रोब डाला, होगा क्या,
ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने रजिस्टर से सिलेक्शन किया, एक मिनट, ये कंटिन्यूटी में सिलेक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूटी में मैंने रखा, ठीक है, और ये वोल्टेज मैं चेक करने जा रहा हूँ, ये देखिए फिर से वही रिजल्ट, फिर से वही रिजल्ट, मतलब बजर बज रही है, मतलब क्या कि वोल्टेज जो 415 आप ले रहे हैं, 415 वोल्ट में जो आपने लगाया है कहीं पे भी, ये प्रो और मल्टीमीटर का सिलेक्शन यहाँ पे कंटिन्यूटी में है, होगा क्या ये 415 वोल्टेज या 220 वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज है वो अंदर आके अंदर शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो रहा है, और उसी वक्त ये मल्टीमीटर जल जाएगा या फिर बहुत बड़ी दुर्घटना के साथ ये एक्सप्लोड कर सकता है, करेगा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मल्टीमीटर का यूज़ कीजिएगा, सिलेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट वोल्टेज चेक करते वक्त, क्योंकि वोल्टेज सबसे हैजर्डस थिंग है, आपको पता होनी चाहिए कि मल्टीमीटर मैंने सिलेक्शन जो रखा है वो सही है या नहीं। डाउट है बिल्कुल मत कीजिए, अपने किसी एक्सपर्ट को बुलाइए, सीनियर को बुलाइए, और किसी भी एक्सपीरियंस्ड बंदे को बुलाइए, उससे चेक करवाइए, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, कभी ना कभी हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं, किसी के साथ वो जानलेवा भी हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब आज था, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप मल्टीमीटर का यूज़ जब भी करें, सिलेक्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ खास जानकारियां लेकर, तब तक के लिए बाय।